सीधा के शीशे पे लगा और शीशा टूट गया और ये देख। गाड़ी के अंदर बैठ के तो बहुत सीन हो गया। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी? आप लोग सब फिट हैं? आप लोग सब सेट हैं? अच्छा यार, आज का जो हमारा सीन है, आज है बॉयज संडे, और संडे वाले दिन भी आपके भाई को सुकून नहीं है। आपका भाई जा रहा है अपनी KE20 लेके डेंटर के पास छोड़ने। कल जो हमने इसको रिम टायर डलवा दी है, वाइट थोड़े से ज़्यादा है, कटाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो उसको क्लियर करेगा। और इन द मीन वाइल काशिफ भाई आ रहे हैं हमारे KE70 V6 वाले, जिनकी KE70 का आप लोग बड़े अच्छे से कह रहे थे कि रिव्यू दें, तो आज हम जाके उसका रिव्यू लेंगे, उनके साथ ब्लॉग भी बनाएंगे, ट्रैक पे भी जाएंगे। और अभी दो यार बच्चे हमें मिले बड़े प्यारे से, कह रहे थे मेहमान भाई लास्ट टाइम भी हमने आपको देखा था, हम आपके पीछे आए थे, मुझे उस टाइम यार सॉरी बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आपको देखा नहीं था, तो अभी उन्होंने मुझे देख के रुके हैं, तो वो वाला क्लिप मैं साथ ही जोड़ दूंगा। हमें सब्सक्राइबर मिले, क्या नाम है आपका? उस्मान भाई, थैंक यू सो मच, आप ब्लॉग्स देखते हैं, ठीक है, और ब्लॉग्स ऐसे ही भाई के देखते रहें, थैंक यू। तो बॉयज़ आप लोगों का प्यार है, आप लोग भाई के ब्लॉग्स देखते हैं, भाई के ब्लॉग्स को ऐसे ही यार आप लोग देखते रहें और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। और हम पहुँचते हैं सीधे डेंटर के पास, गाड़ी ड्रॉप करते हैं और फिर काशी भाई के पास पहुँचते हैं, और आज घूमते हैं उनकी KE70 V6 में। बॉयज़ ये फील है हमारी गाड़ी के अंदर जाते हुए यार, माशाल्लाह बहुत प्यारी फील आ रही है, और रिम टायर डालने के बाद यार गाड़ी बिल्कुल ही बहुत स्मेक्सी सी लग रही है यार। अभी बाहर निकलता हूँ गाड़ी, आपको गाड़ी के रिम टायर भी आपको दोबारा दिखाता हूँ। और आपसे पहले गाड़ी को मिलते थे, मतलब स्टेयर्स मिलते थे, आप लोग लोग रहते हैं ऐसे गाड़ी को देखते हैं, तो कोई देखेगा तो मैं जरूर आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। तो आप रहे भाई के साथ, we go, it's about to go down, let me know, I'ma buy another round, get low, drop it down। हम अपने साजी के बाद वर्कशॉप बाहर ताला लगा हुआ है, क्योंकि जी सख्तियाँ हो गई हैं और संडे का दिन है, इसलिए ताला लगा हुआ है। खुलवाते हैं दरवाज़ा और लेके चलते हैं गाड़ी सीधा। चेक करें आप लोग अपनी KE20 आपके भाई की बिल्ड यार, माशाल्लाह वटाना भी इसके बाद गाड़ी बहुत ही सेक्सी सी लग रही है, स्मेक्सी सी लग रही है। पीछे जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पर कटाई के लिए ना, तो हम वो पीस थोड़ा सा इसका सेट करवाएँगे, तो फिर कटाई पूरी हो जाएगी। क्योंकि इन रिम्स के अंदर ना बॉयज़, ये जो रिम्स हैं वटाना भी इसके अंदर 8 KG से कम नहीं आता, तो हमें ये लगवाने पड़े, क्योंकि हमें स्टाइल भी यही चाहिए था, जो मैक्सिमम है वो 10 KG करीब आते हैं, तो गाड़ी से लगाते हैं साथ में। खुल गया जी टायर अपना, और बस अब साजी पीछे थोड़ी सी जगह बनाएंगे इसकी, ताकि इसकी दोनों तरफ कटाई पूरी हो, बाकी जो फर्दर फर्क होगा वो हम अलाइनमेंट में पूरा कर लेंगे। अभी ये देखें, मैंने इसकी वेट्स 8 KG है इस रिम की, तो ये हाल है। हम अगर वो बड़ा डाल देते तो 10.5 या 10 या 9 KG भी डाल देते, तो फिर हमारी गाड़ी की वो मतलब कटाई ख़त्म हो जानी थी, तो 74 के अंदर मैक्स 8 KG डलवा लिया करें। अभी हम KE35 तैयार करेंगे, उसके साथ तो हम लोग पूरे पूरे काम करेंगे, अपनी KE35 के सामने खड़ी हुई है आपको पता है, इसके साथ हमने पूरे पूरे काम करने हैं। इसके तो टायर पीछे से देखें कितना अंदर है, और हमने फुल बार निकालना है, आगे से भी बार निकालना है, अभी इसको भी 14 या 15 का रिम टायर डले हुए, तो बस अब ये भी कम्प्लीशन के ऊपर है, जल्द अज जल्द ये कम्प्लीशन के ऊपर आती है। फिर इसका सबसे पहले इंजन डालेंगे, ओदा ओदा पूरा तैयार करके हिसार डालेंगे, रिम टायर डालेंगे, बहुत मज़े वाले काम होने वाले हैं, तो आप भाई के ब्लॉग से साथ जुड़े रहा करें। बॉयस कराते हैं शेयरिंग कार्ड के, ये देखें पूरी पूरी जगह बन गई हमारी पूरी कटाई की, ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया, पूरी कटाई हो रही है ना आप गाड़ी की ऐसी। बॉय दूसरा टायर भी खोलते हैं, वो भी करवाते हैं अभी उधर, वो अभी काशिफ निकला ही नहीं है, रेडी शेडी हो रहा है, गाड़ी निकाल रहा है, होप्स हमारी गाड़ी रेडी हो जाएगी, तो फिर हम इसी को वॉश करवा के ले जाएंगे, साथ साथ रखेंगे इसको भी, तो आप रहें साथ। तो ले बॉयज निकल आए हम लोग अपने सदीक साहब डेंटर के पास से, और कटाइयाँ दोनों प्रॉपर हो गई गाड़ी की यार, बड़ा अच्छा बंदा है माशाल्लाह, अच्छा काम करती है, संडे वाले दिन भी आया हुआ था, तो आपका भाई खुद ही लग रहा है अभी हाथ मुँह धोने की वजह ये है कि आपका भाई खुद ही टायर खोल के दिए, टायर बंद ही मैंने किए, क्योंकि यार थोड़े से ज़रा बुजुर्ग टाइप बंदे हैं, उनसे नहीं खुलते टायर, ज़्यादा कसाइयाँ होने पर, ये है कि भाई जो टेक्निकल काम है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे करते हैं, और डेंटिंग ये वो सारा कुछ, तो बगैर आपको बोर किए अब यहाँ से निकलते हैं, और काशिफ को कहते हैं यार लिबर्टी आ जाए, क्योंकि DHA हो जाएगा बड़ा दूर, टाइम ऐसा हो गया वह शाम हो रही है, मैं चाह रहा हूँ मगरिब से पहले पहले मैं रिव्यू कर लूँ KE70 का, उसके बाद फिर हम लोग अंधेरे में भी घूमते रहना तो वो खैर है, पर रिव्यू हमारा अंधेरे में नहीं होना,
बाप रे भाई के साथ। वीडियो में आप लोगों को गाड़ी साफ साफ लग रही पर मुझे गंदी लग रही थी यार, टायरों के ऊपर भी मट्टी आ गई, पीछे भी आ गई। मैंने कहा यार कहीं जा रही मीट पे तो मट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा यार जल्दी से मेरी गाड़ी को पानी मार दो ताकि हम सीधा पहुंचे लिबर्टी और वहां जाके करें आप लोगों के लिए A70 का रिव्यू। तो ले जी बारी आ गई आपकी भाई की गाड़ी की, सिर्फ मुझे टायर और थोड़ी सी बिट्ठी होगी मेरी गाड़ी के ऊपर, उसकी टेंशन थी। ये अब जैसी लचपच गाड़ी होगी अब ये गंदी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाली। यार टायरों को अच्छे तरीके से पानी मार दी सर। आप तो भाईजान अब जिस कंडीशन के ऊपर गाड़ी पहुंच गई भी अब तो मुझे पता है, आप तो आप लोग व्लॉग देखेंगे ही देखेंगे हैं, स्किप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इस गाड़ी होगी हमारी वॉश और निकलने लगे हम लोग। मैंने कहा एक बार गाड़ी आपको चारों से चेक कराऊं कि कल मैं दिखा नहीं सका आप लोगों को गाड़ी, गाड़ी गंदी भी थी वॉश नहीं हुई भी थी। तो ये चेक कर लें बॉयज़ गाड़ी आपकी चारों तरफ से यार माशाल्लाह बहुत शुरुआती लग रही है। तो यार चलते हैं सीधा हम लोग आगे, काशी वेट कर रहा है, पहुँच रहा है लिबर्टी, वहाँ पहुँचते हैं जाके आपको रिव्यू देते हैं, गाड़ी भी चेक कराते हैं उसकी साथ में। टूट फूट गया है ये भी, उस्ताद जी जो गाड़ी को कपड़ा मारे थे उन्होंने शीशे को अंदर की तरफ प्रेस किया, इसके अंदर होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब जोर से वो उन्होंने जोर दिया ना तो स्प्रिंग अंदर से हिट होके वापस आया और वो सीधा आगे शीशे पे लगा और शीशा टूट गया। और ये देखें पता क्या बात होती है, बस नज़र लगती है पर खैर कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। इसका मैं राउंड नया शीशा बनवा दूंगा, सिलिकॉन लगवा के इसको अच्छे तरीके से फिट भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, साथ रहें। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी यार तारीफ मिल रही है इस गाड़ी को, तो दिल को खुशी होती है, पैसे पूरे होते हैं बंदे के हाँ यार मेहनत कर रहा हूँ तो यार लोग चीज़ को अप्रिशिएट करें, तो ऐसे ही भाई के प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट करते रहें। रेड लोकेशन गाड़ी मैंने लगा दी है ये सामने, और जब तक वो नहीं आता तब तक गोप्रो निकालते हैं और अपनी 74 की थोड़े सिनेमैटिक बनाते हैं, थोड़ी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई जिधर भी गाड़ी लगा रहा है उधर लोग आके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वेरी नाइस। और बाकी बस अब मैं काशिफ का वेट कर रहा हूँ यार, पहुँचा खड़ा है बस, और थोड़े सिनेमैटिक मैंने इस गाड़ी के भी बना लिए हैं आप लोगों के लिए, मैं बीच में डाल दूंगा। Got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Pep a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been boys पहुंच गई अपनी K70 भी, बहुत लो कर दी यार गाड़ी से तो फुल जमीन के साथ लग गई है। और पीछे पीछे अपनी गाड़ी आ गई है, EF भी आ गई है, अपनी कूप आ गई है होंडा सिविक, साथ ही लगा देते हैं गाड़ियां सारी अपनी और फौरन से करते हैं यार रिव्यू अपनी K70 का। मैंने रिव्यू कर ली है यार गाड़ी का, इसका K70 का ठीक है, बाकी वो अपनी EF का गा रहा हूँ बार बार, उसको EF का ही जा रहा हूँ, सिविक कूप खड़ी हुई है उसका भी थोड़ा सा आपको गेड़ा दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं बॉयज आगे, देखते हैं कि आगे का क्या सीन है, हम लोगों ने फेस 6 जाना है कि नहीं जाना, वो आपको सीन अभी कंफर्म करते हैं। तो ये आपके भाई की लगी हुई है K20। और माशाल्लाह यार आपके सामने बहुत प्यारी लग रही है, इसमें सेटअप जो है वो भी आप लोगों को खोल के मैं चेक करवाता हूँ। इंटीरियर तो आप लोगों ने लास्ट टाइम भी इसका देखा था गाड़ी का, चेक करें गाड़ी अंदर से, ये कौन आ गया है जैसे मार रहा है। तो बस इंटीरियर इसका चेक करें यार, ये क्लस्टर इसका हमेशा मेरे दिल को लगता है, एंड्रॉयड सिस्टम लगा हुआ है अंदर गाड़ी के, ऑटो गियर है। और अगर आप लोगों ने इसका सेटअप देखना तो वो भी आज आप लोगों को दिखा देते हैं। टू डोर कूप ओरिजिनल है ये, चेक करें पीछे से आप लोग, ऐसी गाड़ी मिलेगी नहीं आप लोगों को। पेंट क्वालिटी यार बॉयज बहुत ही प्यारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी पेंट क्वालिटी इसके ऊपर हुई हुई है। गाड़ी के ऊपर आए तो बाहर से बॉडी तो सारी जेन्युइन रखी हुई है, रिम्स इन्होंने इसको अगर आप देखें तो भाई ये डले हुए हैं R17 के और होंडा की ओरिजिनल रिम्स हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं यार गाड़ी के ऊपर। पेंट क्वालिटी आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी जैसे जैसे मैं फ्लैश दे रहा हूँ, पीछे से इसकी लाइट्स ओरिजिनल ऐसे ही आती हैं सिविक कूप की,
और 1.6 ISR लिखा हुआ है। अभी आपको खोल के इसका इंजन रूम दिखाते हैं कि अंदर सेटअप कौन सा है, ये भाई से मैंने भी नहीं पूछा कभी और कभी खोला भी नहीं, तो खोलते हैं और चेक करते हैं इसका सेटअप। तो ये बॉयज का सेटअप है, D15 डला हुआ है आई थिंक सो इसके अंदर। और यार देखें इन्होंने इंजन के टॉप कवर के ऊपर भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा टच दिया हुआ है। इंजन रूम चेक करें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इनटेक का पाइप दिया हुआ है मोटा वाला फुल। तो बॉयज नहीं यार माशाल्लाह ठीक, बहुत प्यारी लग रही है यार इंजन रूम से। तो यार ये हमारे इन भाई की गाड़ी है यार। अच्छा ये सेटअप कौन सा डाला हुआ है? डी सोलह डुअल वीटेक है कि सिंगल वीटेक है? अच्छा नॉन वीटेक है, तो गाड़ी भागती है फुल भागती है। तो वो इसकी सिविक की भी ड्राइव लेकर आते हैं, भाई कह रहे हैं चलें आपको भगा के तो चेक कराएं गाड़ी, चलते हैं। किस डाला है? जैपनीज पैनल डाला हुआ है वो इसके अंदर, ये देखें VIRS वाला। ट्रैक से बगैर भगाने का मजा नहीं आता, गाड़ी नहीं आता ना। प्यार प्यार से चलाते हैं, क्रूज करते हैं। Turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop until we light. Never take shots like a tag nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama seen the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. यार वेरी नाइस वेरी नाइस। तो साउंड कितना प्यारा मारा है यार इसको। अच्छा बंद है अभी पीछे से यार, सेंसर मैंने बंद किया हुआ है। बंद किया हुआ है अभी आपने। तो इसको एग्जॉस्ट कौन सा लगा हुआ है? जैपनीज लगा हुआ है। HKS का जेन्युइन आया होगा ना, बहुत प्यारा साउंड मारा है यार गाड़ी। दोबारा जगह मिलती दोबारा उसको निकालो, मेरा दिल जो है ना वो कुछ होने लग गया गाड़ी जैसी निकली है। नहीं बहुत 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 प्यारी निकली है बॉयज गाड़ी, दिल को लग रही है यार भाई के। यार ऐसी गाड़ी मिलती है तो आपका भाई कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं वैसे पुरानी गाड़ियों का लवर हूं, पर यार सिविक ने मुझे ज़्यादा सिविक के लव में लाओ। बहुत प्यारी क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी देखते हैं आपको जगह मिलती है थोड़ा सा और आपको मजा देते हैं, और उसके बाद आगे का सीन देखेंगे आगे हमको क्या करना है। मम्मी खाइए अपने गाड़ी के अंदर बैठ के। तो बॉयज गाड़ी अब हम लोग जा रहे हैं कोई जगह देखते हैं जहाँ पे गाड़ियों को लगाएंगे पिक्चर्स लें। और हमारा डीएसए जाने का सीन ये था कि हमने एक जगह पे लगा के गाड़ियाँ अपनी गाड़ियाँ ही देखनी थी, किसी की गाड़ियाँ तो हमने देखनी नहीं थी। तो हमारा सीन पूरा हो गया, तो वहाँ जाने की हमें अब जरूरत नहीं है। हम चलते हैं किसी अच्छे से पंप पे, वहाँ पिक्चर्स लेते हैं थंबनेल के लिए, और उसके बाद बॉयज फिर ब्लॉग को खत्म करते हैं। साथ रहें। भाई की गाड़ी की थोड़ी सी गंदी, उसको बर्दाश्त करें यहाँ पे कि गाड़ियाँ लगाते हैं अपनी और पिक्चर्स लेते हैं गाड़ियों की साथ खड़ी करके। हो गई एक मिनट बस, ये चेक करें KE20 ये सिविक और वो अपनी KE70। तो इनका जल्दी से हम लोग यहाँ पिक्चर्स लेते हैं थंबनेल की और निकलते हैं। गाड़ियाँ चेक करें हमारी यार माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत फिट लग रही हैं। तो बस अब यहीं पर ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, निकलते हैं हम लोग यहाँ से।
तो बॉयज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, काशिफ भाई पास आ जाएं यार, आपकी तो गाड़ी, तो बॉयज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बॉयज नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। क्या करना है जी? अल्लाह हाफिज़।